Assalamualaikum everyone, this is Farhan Rajput from mtechstore.com और आज आपके लिए एक स्मार्ट वॉच का रिव्यू लेकर आए हैं। तो ये कुछ स्मार्ट वॉच, ये ऐसी एक स्मार्ट वॉच है जिसकी लेगेसी स्मार्ट वॉचेस के स्टार्ट से ही चल रही है और हर साल इनका एक लेटेस्ट मॉडल आता है। सो मैं बात कर रहा हूँ T500 की। फिट प्रो ब्रांड की तरफ से T500 लॉन्च की जाती है और स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो वेरिएबल्स जो हैं एप्पल के रेप्लिका वाले, उनकी बेस रखने वाले भी ये फिट प्रो वाले ही हैं। इन्होंने सबसे पहले T500 निकाली, इसी तरह उसके बाद T500 प्लस, T500 प्लस, इसी तरह उसके अलावा प्रो प्लस, काफी मॉडल्स इनके आते रहते हैं। सो अब इन्होंने जंप किया है अल्ट्रा लाइन में, अल्ट्रा की सीरीज लाइन के अंदर ये आ गए हैं। तो अभी आज जो हम रिव्यू करेंगे T500 अल्ट्रा का करेंगे। सो ये मिनिमम बजट के अंदर, कम से कम बजट के अंदर आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाली है विद फुल फ्लेज फीचर्स। इसके सेलियंट फीचर्स के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर 1.75 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि TFT बेस्ड डिस्प्ले है। इसी तरह इसके अंदर आपको फुली मेटल बॉडी मिलती है 45mm की, जो कि एप्पल अल्ट्रा वॉच से रेप्लिकेट करती है, उसका डिजाइन से मिलता जुलता है। और इसी तरह कम प्राइस है, कॉलिंग का फीचर है, वाटरप्रूफिंग है, इसी तरह एक फुल फ्लेज वॉच है। सो इसका रिव्यू मैंने आगे किया, रिव्यू को वॉच करें, आपसे मिलते हैं रिव्यू के बाद, स्टे विद अस। सो T500 अल्ट्रा का एक बिल्कुल ही जो है मिनिमलिस्टिक सा बॉक्स है और सिर्फ मॉडल है, फिट प्रो ऐप है। और इसको अनबॉक्स करते हैं, इस पर ऐसा कोई रैपिंग या सील्स वगैरह नहीं आती, लेकिन आपको स्टार्टिंग में एक मैनुअल मिल जाएगा जो कि आपने लाजमी रीड करना है। एक चार्जिंग डॉक मिल जाएगा जिससे आप चार्ज करेंगे। और यहाँ पे आपका 45mm डायमेंशन का जो है T500 अल्ट्रा आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आपके ओशन स्ट्रैप्स आ जाएंगे। और इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है मज़ीद, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि मज़ीद और कुछ निकलेगा इसमें से। तो मैंने ऑन कर लिया है और ये 45mm के डायमेंशन में आती है। 250mAh की इसके अंदर बैटरी है और इसके अंदर सेंसर जो हैं वो लगे तो हैं लेकिन उसकी एक्यूरेसी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह स्पीकर भी है, माइक्रोफोन भी है, क्राउन भी है और बटन भी है, और ये वाला एक्शन बटन भी है। और अगर इसके फ्रंट पे चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 1.5 इंचेस का इसके अंदर डिस्प्ले है जो कि TFT बेस्ड है। और इसी तरह जो है क्राउन आपकी रोटेशन पे काम नहीं करता, प्रेस पे काम करता है। और इसी तरह जो है ये इसका मेन्यू आ जाएगा। ये वाला बटन लॉक और अनलॉक के लिए यूज़ होता है और ये वाला बटन जो है स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको जो है वो ले जाता है। स्वाइप डाउन पे नोटिफिकेशन आएंगी, स्वाइप अप पे आपका जो है ये एक स्मार्ट मेन्यू आएगा जिसके अंदर यहाँ पे फ़ोन कॉलिंग का ऑप्शन है। क्योंकि ये स्पीकर और माइक्रोफोन अनेबल्ड वॉच है, इसके अंदर कॉल्स का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, इसलिए इसके अंदर आपको जो है स्पीकर मिल जाता है। तो आप अपने फ़ोन से करके इसको कनेक्ट कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। ये इसका मेन्यू स्टाइल है छोटा सा, और मेन्यू स्टाइल छोटा तो है लेकिन इसके अंदर फीचर जो हैं वो ओवरऑल एक पूरी जितनी भी जिस तरह की स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं आजकल चाइना की, उस तरह के सारे फीचर हैं इसके अंदर। और इसका जो OS है वो काफ़ी हद तक जो है वो T800 से मिलता जुलता है। सो ये इसकी सेटिंग्स हैं, सेटिंग में सीरी है, तो आपने अगर आईफोन से पेयर किया होगा तो आपका सीरी चलेगा, और अगर आपने जो है एंड्रॉयड से पेयर किया होगा तो आपका जो है वो गूगल असिस्टेंट चलेगा इसके अंदर। और इसी तरह अबाउट के अंदर ये इसका मॉडल है, बिल्ड है, ये लैंग्वेज इसके अंदर डिफरेंस आपको मिल जाएंगी, और टाइम सेटिंग है। टाइम सेटिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको डेट सेटिंग, बैकलाइट, और बैकलाइट का टाइम जो है वो अप टू 1 मिनट तक का, मतलब 1 मिनट तक इसका डायल जो है वो चलता रहेगा। इसी तरह ये इसका बाकी मेन्यू है, इसकी स्मूथनेस ठीक है मतलब कीमत वगैरह के हिसाब से। इसी तरह इसमें डिफरेंट मेन्यू स्टाइल आपको मिल जाते हैं, कि इस तरह लिस्ट वाला है और एक वो था इससे पहले हनी कॉम वाला, और एक ये 3 है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है। तो इसमें स्टेप अगर हम देखेंगे फीचर, तो सबसे पहले स्टेप काउंटर है, हार्ट रेट है, हार्ट रेट इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्यूरेट मत करें एक्सपेक्ट, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट IR सेंसर लगे हुए हैं। और ये कोई टेबल वगैरह पे रीडिंग भी नहीं दे रहा, ये जो है हमारे स्किन पे रीडिंग देगा। इसी तरह आगे चलते हैं तो फ़ोन बुक है, क्योंकि कॉल सपोर्टेड वॉच है, इसके अंदर आपके नंबर्स भी सेव होंगे, यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आएंगी सारी सोशल मीडिया की। और इसी तरह जो है हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे डायलर है, क्योंकि कॉल डायल भी से होगी, बात भी होगी। रनिंग है, सिटअप्स हैं, जंपिंग रोप है, वेदर है, जो मोबाइल का वेदर इसके अंदर सिंक हो जाएगा। स्लीप मॉनिटर है, फाइंड माई फ़ोन का भी ऑप्शन है, म्यूज़िक कंट्रोल भी है। और इसी तरह नेक्स्ट मेन्यू में रीसेट है, मेन मेन्यू स्टाइल है, कैमरा शटर भी है, स्टॉप वॉच भी है, ऐप का QR कोड है, इसकी ऐप है वो फिट प्रो है।
और मोर के अंदर हमारी ये सेटिंग्स हैं, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है तो वो इसके अंदर आएंगी, फेसबुक की नोटिफिकेशन इसके अंदर आएंगी। तो ये इसके सारे फीचर हैं और छोटी सी एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर ये वॉच है और मेरे हिसाब से ठीक है बच्चों वगैरह को गिफ्ट देने के लिए, इट्स अ गुड ऑप्शन। बाकी इसकी ऐप से कनेक्ट करके मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर वॉच फेसेस वगैरह का ऑप्शन है या नहीं है। बाकी हाथ में कुछ इस तरह की लुक है इसकी, और मैं इसके स्ट्रैप्स की अगर बात करूँ ना तो 500-600 रुपए के सिर्फ ये स्ट्रैप ही हैं जो उसके साथ में आ रहे हैं, तो आपको ये जो है ना वो बिल्कुल ही चीप मिल रही है, सस्ती, फुल सस्ती। सो ये इसका एक सिस्टम का रिव्यू है, बाकी ऐप मैं करके देखता हूँ, लेकिन एक नॉमिनल प्राइस के अंदर वो T500 की जो एक लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। जो इसको मैंने ऑन कर लिया, इसकी ऐप भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई थी मुझसे, और वो ये चीज़ थी कि इसके अंदर जो है ना वॉच फेसेस वो आप स्विच कर सकते हैं। ये देखें आप, इस तरह जो है ना इसके अंदर ये वॉच फेसेस स्विच करेंगे, और अच्छे वॉच फेसेस हैं इसके अंदर, काफ़ी हैं। और इसी तरह इसकी जो ये ऐप है, फिट प्रो के नाम की ऐप है, तो ये अच्छी ऐप है, काफ़ी घड़ियों पर चलती है। ये फ्रंट पेज है इसका, ये सेटिंग्स है, यहाँ पर आपकी सारी आएगी डिवाइस, और यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स मोड हैं, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बनेगी, यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स के मोड्स हैं, यहाँ पे आपकी सेटिंग्स होंगी, और यहाँ पे जो है होम पेज है। सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे डिवाइस पेयर है, ये कॉलिंग के लिए भी पेयर है, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पे आप वो नंबर सेव करेंगे जिनका आप नाम देखना चाहते हैं वहाँ पे, जैसे अपने अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, उनका यहाँ पे नंबर आप सेव करेंगे। इसी तरह डायल सेटिंग के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर मैं काफ़ी सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा इसके अंदर डायल्स की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, तो आप ये सारे डायल्स जो हैं इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह रीसेट है, रिमूव डिवाइस है, अदर सेटिंग्स हैं, अदर सेटिंग्स के अंदर आपके जो है वाइब्रेशन की सेटिंग है जिसको मैं ऑन कर देता हूँ, और इसी तरह जो है यहाँ पे OTA अपग्रेड है, ओवर द एयर अपग्रेड्स भी मिलेंगी, बैकग्राउंड सेटिंग। तो एक बड़ी बेसिक सी और जो है ना मज़े की एक छोटी सी वॉच है। तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे फ़ोन पे कॉल आ रही है, और यहाँ पे भी ये कॉल जो है आ रही है। अब एक कॉल मैं रिसीव करके आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ उसकी, ये मैंने कॉल रिसीव कर ली, और ये मैं माइक्रोफोन के पास रख रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ये फ़ोन मैं दूर कर लेता हूँ ताकि पता चले उसी में से आवाज़ आ रही है। सो ये सब जो माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही है इस वॉच के अंदर से आ रही है। इसी तरह जो है यहाँ से आप कॉल को हैंगअप भी कर सकते हैं, तो कॉल ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सो होपफुली आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से T500 अल्ट्रा जो है एक वैल्यू फॉर मनी वॉच है यार, आजकल इतने में वैसे कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें ना तो अराउंड ये $5 की कॉस्ट करती है, विच इज़ नथिंग इन नाउअडेज। तो इसलिए इसके फीचर्स, इसकी जो एक बिल्ड क्वालिटी है वो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह T500 अल्ट्रा को ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं mtechstore.com। इसका मैं लिंक चीज़ डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।